सर से ताल्लुक रखने वाले साहब जो 14 उर्दू कॉन्फ्रेंस करा चुके हैं, इनका खिताब चल रहा है। लंबे लंबे खिताब नहीं सिखाना रहा आपको गौर करने के लिए, जो जो काम की बातें हैं। इसी तरह से मेरे चेहरे पर ये रंग और रोशनियां थी। अब देखो यार, ये इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मजा आता है पता करने के, और जिन्हें जगह नहीं मिली वो पीछे खड़े हैं सारे लोग। बिल्कुल वही फीलिंग मेरी 40-41 साल पहले वाली है जो आज तुम्हारी। क्या बात है यार, जबरदस्त। बिल्कुल वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। और एक बात मैं और तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को मारने नहीं देना। वो बच्चा जो अपनी ख्वाहिश लेके पैदा हुआ और उसको दुनिया को बेहतर करने की उमंग, उस बेहतर तरह से जिंदगी की, अपने आने वाली नस्लों के लिए इस पूरी दुनिया को इससे बेहतर करने की सूरत हाल, उसके साथ साथ ये है कि जाहिर है कि हम में से अक्सर, और तुम सब भी और मैं भी, ज़्यादातर लोअर इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। गुनाजमाबाद, फेडरल एरिया, न्यू कराची, लांडी, मलीर, गुरंगी, कहीं से। बिल्कुल 100% करेक्ट बात कर रहे हैं। ये हमारे वालदैन हमें भेजते हैं तो उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि वो जो जिंदगी में नहीं, देखिए लोग कितने तैयार हो गए नई सेज के लोग भी, तो कोई कोई बहुत अमीर भी होगा तो उनका जो स्ट्रगल है वो अपना फ्यूचर तुम्हारी शक्ल में देखते हैं। सीट की तलाश में आगे जा रहे हैं भाई, हमें तो मिली नहीं है, कहाँ से मिल जाएगी। नहीं आ रहा था, मैंने अब्बा से जिद की कि मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा, मुझे नई गाड़ी लेके दे। अरे वाह, मेरे अब्बा के इतने हालात नहीं थे, लेकिन मेरे अब्बा चूँकि इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं पढ़े थे, तो उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि यार ये किसी हवाले से चला जाए। तो जब इस यूनिवर्सिटी में 4 गाड़ियाँ थी, मैं गाड़ी लेके यहाँ दाखिल हुआ। तो मतलब ये क्या बुनियादी बात क्या है, मैं आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, मुझे एक किताब ढूंढने के लिए मैं जाता था सदर थॉमस एंड थॉमस पे, उसको कोई ऑर्डर देता था कि यार मुझे जेम्स जॉयस की किताब चाहिए या ऑस्कर वाइल्ड चाहिए या शेक्सपियर चाहिए, तो 1.5 महीना लगता था लंदन से किताब आने में, और फिर वो मैं किताब पढ़ता था। तो तुम ऐसे कुछ किस्मत हो कि ये तुम्हारी पाम पे, तुम्हारी मुट्ठी में ये पूरी दुनिया सारी की सारी। ये बात सही है, मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया। चाहो तो ट्रैश उठाओ, कचरा उठाओ, और इधर उधर की फरोही चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करो, और चाहो तो दुनिया के सारे उलूम तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें बहुत मालूम है। और मतलब यहाँ तक आते आते एक पूरी ज़िंदगी, किसी ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल 19 साल इंटर किया, कॉलेज में पढ़े, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खूब मस्ती करें, खेलें, कूदें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन ये जो आप आए हैं डिग्री पे, तो इजाज़ भाई ने बहुत गौर किया। मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर में अगर डिग्री हाथ आए ना आए, एक तालीम याफ्ता शख्स बन के इस कराची यूनिवर्सिटी से आपको निकलना है। ज़बरदस्त जनाब, अच्छी बातें कर रहे हैं। डिग्री जो है ना, एक नंबर डिग्री का है, 99 नंबर उस प्रोसेस के जो आप 4 साल यहाँ गुजार के और जाएंगे। मैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, मेरी तो सारी की सारी तरबियत यही इन्हीं गली कूचों में, क्लास के अंदर कम, क्लास के बाहर ज़्यादा, टीचरों के साथ बैठ के आपस में इंटरेक्शन करके, वो पीछे समोसे खाते हुए, वो पॉइंट के पास स्टूडेंट की बिरयानी मिलती थी उसमें, तो ये पूरी की पूरी तरबियत का है, सिर्फ क्लासरूम तरबियत का नहीं है। क्योंकि इतने बड़े विजन का, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से जब आप हिस्सा बनते हैं तो एक कलेक्टिव विजडम का भी आप पार्ट बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ, और मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह, मुझे एक बात पता है, जैसे जाज भाई ने कहा, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, आप यकीन माने यूनाइटेड नेशन चले जाएँ, हॉलीवुड चले जाएँ, कैपिटल चले जाएँ, कराची यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई आदमी आपको किसी बड़ी पोजीशन पे, किसी बड़ी हैसियत में मिलता है। और बड़ी हैसियत सिर्फ ओहदे से नहीं होती है, कैरेक्टर से होती है, कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजार के आपने सदारे का नाम रोशन किया, अपने वालदेन का नाम रोशन किया और अपना नाम रोशन किया। मैं बिलीव नहीं करता
इतना ड्राइवर है और वजीर है, अल्लाह ताला ने सबको बराबर पैदा किया है, जिसका रोजगार जिस तरह से, काश ये बात हमारे बड़ों को भी समझ में आ जाए, कमाता है तो वो बड़ा आदमी है। और मैं ये दुनियावी मर्तबे में भी बिलीव नहीं करता, ठीक है, अगर किसी ने हासिल किया है, लेकिन सबसे बड़ा मर्तबा इज्जत का वो है जो आपको अपने इल्म और आपके करेक्टर की वजह से मिले, ओहदे की वजह से नहीं। तो वो वाला मर्तबा हासिल करने की अगर आप लोगों के दिल में आपकी जगह हो, आप एक बेहतर सिटीजन हो इस सोसाइटी के, ये शहर आपकी वजह से बेहतर हो जाए, ये सोसाइटी बेहतर हो जाए, आपका मोहल्ला बेहतर हो जाए, आपके घर का यूनिट बेहतर हो जाए, तो ये मुल्क अच्छा हो जाएगा। और ये मुल्क जो है ना, इसकी 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो तुम लोग हो ना, आज अगर तुम लोग याद करोगे कि ये 75वें से 76 में हम इस मुल्क को तुम हम लोग तो नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग आगे लेके जाओगे कि तुम हमसे आगे एक बेहतर पाकिस्तान को लीड करोगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।